डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी गुड स्टडी. सो मीन्स आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कूलम्स लॉ. ट्वेल्थ का चैप्टर है भाई. किसका चैप्टर है? ट्वेल्थ का चैप्टर है. प्लस नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. पूरा इलेक्ट्रोस्टैट इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. ज़्यादा बात नहीं बनाते हैं बच्चे लोग. बस अगर आप कोई नए आए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को. और फटाफट लोगों को बताइए कि यहाँ पर हमें फ्री में एजुकेशन मिल रही है. टॉपिक है ट्वेल्थ का. टॉपिक है ये. ट्वेल्थ का टॉपिक किसका टॉपिक है भाई? ट्वेल्थ का टॉपिक है और प्लस 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 नीट के लिए और जेई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट का सेकेंड लेक्चर है आपका. ट्वेल्थ का सेकेंड लेक्चर है. इलेवंथ के लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया था कल? कल तक मैंने फ्रिक्शन करा दिया है. फिर नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी इन पावर. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कूलम्स लॉ, ताकि आपका इलेवंथ एंड ट्वेल्थ दोनों पोर्शन नीट और जेई के बच्चों के लिए साथ साथ होता रहे और साथ साथ कंप्लीट होता रहे. इसलिए आज मैंने क्या किया, आज मैंने आपका कूलम्स लॉ स्टार्ट किया. ठीक है, तो आज हम करते हैं कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में बच्चा क्या है, सबसे पहले जानना है. ये इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर पूरा इलेक्ट्रोस्टैट डिपेंड करता है. ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ. ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, समझेंगे कि कूलम्स लॉ क्या है. कूलम्स लॉ को जानने से पहले एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि चार्ज है हमारे पास. आपको पता है चार्ज किसको कहते हैं? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? सब्सटेंस के, मैटर के, जिसकी जिसकी वजह से किसी दूसरे मैटर सब्सटेंस पे क्या लगता है बच्चा लोग? फोर्स लगता है, ये तो पता ही है आपको. ठीक, अब हम क्या करेंगे, चार्ज में हम सबसे फंडामेंटल चार्ज कौन सा मानते हैं भाई? सबसे फंडामेंटल चार्ज हम मानते हैं किसको? फंडामेंटल चार्ज, देखो राइटिंग मेरी बहुत बहुत खराब होती है बच्चा, तो क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज हमारे पास कौन सा है भाई? हमारे कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को लेकर चलते हैं. किसको लेकर चलते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को. और प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम 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 होता है इसका. ठीक, चलो जी, ये तो हो गया, क्लियर हो गया. अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ पे. इसका मास आपको याद है 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 केजी इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर 27 केजी. ओके, चलो जी बच्चा, तो फिर मजा आ गया. आपको स्टार्ट कर दिया मैंने कि चार्ज क्यों कहते हैं, ये आपको पहले से पता है. मैं अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ 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 प्लीज मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा. कूलम्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे मैंने बताया हुआ है. ठीक, तो क्या है कूलम्स लॉ क्या है? देखो, कूलम साहब एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने कहा कि भाई दो चार्ज के बारे में इन्होंने ज्ञान दिया कि दो चार्ज आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में एक ज्ञान जो है कूलम साहब ने दिया. वो क्या ज्ञान था कि अगर आपके पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच समथिंग सेपरेशन D है या R मान के चलो, क्योंकि कहानियां ज़्यादा R पे चलती हैं. ठीक, ये कहानी की तरह समझो कि एक चार्ज Q था, एक चार्ज Q1 था, एक चार्ज Q2 था, दोनों के बीच दूरियाँ बहुत थी जिस दूरी का नाम R दिया हुआ था. और कूलम साहब ने कहा कि इन दोनों के बीच कुछ तो इंटरेक्शन है और उसी इंटरेक्शन में हो क्या रहा है कि जब दो चार्ज, मैंने आपको बताया था टू काइंड्स ऑफ चार्ज में कि सेम नेचर का चार्ज होगा तो क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. तो ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा बच्चा, है ना? तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है. मान लो इसका मास m है, इसका मास भी m है, Q1 Q2 का मास. अब क्या होगा कि इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा F21 लगा रहा होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लग रहा होगा, इसको इसको इसका नोमेनक्लेचर है. और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, Q2 की वजह से, वो लग रहा होगा F12 लग रहा होगा. ठीक है, तो अब कूलम साहब ने कहा इसमें दो तीन तरह की बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले क्या चीज़ है कि इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट फोर्स लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि दोनों तरफ का फोर्स इक्वल है, मतलब F12 का मैग्नीट्यूड जो है वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, स्टेटमेंट में बाद में लिखाऊंगा, आप लोग टेंशन है मत आना कि सर आप तो स्टेटमेंट नहीं बताया, आपने तो कूलम्स लॉ का वो वाला फार्मूला नहीं बताया, आप डाइट कहाँ चल रहे हो भाई. वैसे ही चलूंगा मैं, आप देखते रहो, आपको मजा आएगा. ये क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया. इक्वल दूसरा फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ मैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स लग रहा. थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 13 के बच्चों, आपको तो पता ही है. 11 और 12 के बच्चों को मतलब नहीं है, 12 के बच्चों को मतलब है तो समझ लो.
F12 और F21 इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। अभी क्या लग रहा है इसमें, क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों हो रहा है वो भी देख लो, अब अपोजिट इन डायरेक्शन समझने की बात है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि इसको अगर आप फिक्स मान लो तो ये भागा तो समथिंग एक्सीलरेशन से भागा होगा, मास मैंने सेम रख दिया, दो इलेक्ट्रॉन ही मान के चलो ना, यहाँ रोक रखा इस, ये भागा ये भी, मास वही है, मास तो चेंज नहीं होना है, तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा है वही फोर्स इस वाले चार्ज के इस पर इधर की तरफ लग रहा है। अगर ये तो हो गया अपोजिट नेचर में, अगर मैं एक चीज और यहाँ पर लिख दूँ कि अगर मैंने क्या किया बच्चा, कि अगर मैं इसको डिससिमिलर चार्ज रख दूँ, मीन्स कि ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, ये तो प्लस प्लस था और एक माइनस प्लस रख देते हैं, या माइनस माइनस था अब एक प्लस रख देते हैं, क्या होगा कि ये इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, आपको पता ही है क्या होता है अट्रैक्शन होता है, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे किधर लगेगा फोर्स इधर लगेगा, क्या हो रहा भाई ये F12 फोर्स है और ये F21 फोर्स है। जब वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें समझ जाएंगे अपने आप, अभी फिलहाल इतने ही पर बात कर लेते हैं, इतने ही पे हम लोग समझौता कर लेते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट लगा रहा है और ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक। चलो जी, एक चीज़ कॉमन इसमें देखने को मिल रही है कि चाहे सिमिलर चार्ज रखो चाहे डिसिमिलर चार्ज रखो बच्चा लोग, दोनों फोर्स क्या हो रहा है, ये इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है तो ये इस तरफ लग रहा है, मतलब दोनों अपोजिट लग रहा है, तो मैंने लिखा अपोजिट इन डायरेक्शन ऑलवेज ऑलवेज। और भाई एक चीज और है, ये टू डिफरेंट चार्जेस पे लग रहा है और ये, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये हमारा क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह बिहेव करता है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। एक चीज और इसमें है, फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है वो क्या है कि इसमें एक चीज और एनालिसिस किया गया कि जब भी फोर्स लगता है तो वो एक्ट्स लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ऑलवेज एक्ट्स, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। क्या हो रहा देखो, इस लाइन के दो चार्ज को जोड़ने वाली लाइन ये है, टू चार्ज को जोड़ने वाली लाइन ये है, क्या फोर्स ऑलवेज इसी लाइन पर एक्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है हमें, क्या इसी लाइन पर एक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स, इस पॉइंट को लिखना है आपको, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, hence the force is known as central force, बड़ा वाला सी से, ठीक है बच्चा, आया समझ में कि हम इसको क्यों सेंट्रल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये इस वाला जो फोर्स, ये वाला जो फोर्स है वो क्या हो रहा है लाइन पर लग रहा है, एक ही लाइन के अलोंग लग रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। कुछ चार बातें हमने यहाँ पर सीखी, हमने क्या सीखी भाई कि जब भी दो, ये सब कूलम्स का ऑब्जर्वेशन है तो पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं फिर फार्मूले पे बात करेंगे, ठीक है। एक चार्ज Q1 रखा, एक चार्ज Q2 रखा, पहली बार में हमने रखा सिमिलर चार्जेस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, फिर मैंने देखा कि इस पर इधर फोर्स लग रहा है और इस पर इधर फोर्स लग रहा है और दोनों पे मैग्नीट्यूड में बराबर फोर्स लग रहा है। दूसरा मैंने फिर डिसिमिलर चार्ज किया, मतलब एक नेगेटिव रखा एक पॉजिटिव रखा, तो भी मैंने देखा कि इसको इधर खींच रहा है पुल कर रहा है, वो इसको इधर पुल कर रहा है, इस बार भी क्या हो रहा है ये अपोजिट में ही लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है तभी हम कहते हैं भाई ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये एनालॉगी, क्या कहाँ 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 आपने देखा है पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, क्योंकि ये डिफरेंट टू डिफरेंट बॉडी मतलब टू डिफरेंट चार्जेस पे लग रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अब एक पॉइंट और बनता है यहाँ पर कि ये जो
ये वाला जो फोर्स है F21 और F12 वो ऑलवेज किस पे लग रहा है भाई, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, हेंस द फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। ये पूछा है भैया नीट में एक बार, ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा। अब आते हैं कि और क्या कहा कुलम साहब ने, इसको जल्दी से पॉज कर लो और नोट कर लो। अब इसमें क्या भाई, इसमें यह है कि देखो कुलम साहब ने कहा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2 के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। क्या है ये, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब इन दोनों की शादी करा दो और इसको कर दो एक जगह Q1 Q2 by R² ऑलवेज जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना पड़ता है जिसका नाम यहाँ पर Q1 Q2 by R² लिखा गया, वेयर के इज कूलम्स कांस्टेंट। इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 और इसकी जो वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ यूनिट्स। देखो भैया यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिखोगे, ठीक है। अब लिखना है तो लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझा, अरे समझा, यस देखो इसको इधर ले जाओगे, इसको नीचे में उसके अपॉन करोगे तभी तो के होगा, और के की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसलिए मैंने लिख दिया यूनिट्स, चालाकी यही है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, 8.854×10⁻¹2। चेक कर लेना, यही होती है, पक्का चेक कर लेना तुम लोग, है ना, क्यों चेक कर लेना एक बार फिर, अगर यूनिट इसकी लिखनी हो तो क्या इसे लिखोगे, फिर वही काम करोगे भाई। इसकी यूनिट यहाँ पर जब 1/4πε0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, ε0 चला जाएगा ऊपर, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, आया समझ में आया। तो ये जब इधर जाएगा, ये जब इधर आएगा तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लिख दो, यहाँ भी यूनिट्स लिख देता हूँ मैं, मीन्स कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ भी लिख दूँ क्या फिर से वापस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक बार अपना इसको वेरीफाई कर लिया करना, घर पर बैठ कर ईजिली कॉपी खोलना, नोटबुक ओपन करना और उसको एक बार ड्राइव करके देखना कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इसकी वैल्यू होती है 8.854×10⁻¹2, ठीक है। तो ये था कूलम्स लॉ, इसीलिए कूलम्स लॉ में का जो फाइनली फार्मूला जो लिखते हैं हम लोग, वो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, इसीलिए F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 by R² जी हाँ। तो ये था आज का कहानी, आज की कहानी में बस इतना नहीं, प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक। तो क्या हुआ, हमने देखा कि कूलम्स लॉ का नेचर किस तरह से काम कर रहा था, क्या था, इक्वल था, अपोजिट था, एक्शन रिएक्शन पेयर था, सेंट्रल फोर्स था। दूसरा हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये हमने ये देखा,
और ये देखने इसको देखने के बाद यहाँ आ गए। अब अगर आपसे पूछे कोई बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम पूछे, क्या पूछेगा आपसे? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम अगर पूछे, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भाई मुझे बताओ 2 माइक्रो कूलम Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, तो बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या लिखोगे बच्चा लोग? आगे आंसर एक लाइन में। अब अगर मैं बोलूं कि अभी आपके पास एक फोर्स था, एग्जाम्पल सब देखते जाओ, धड़ाधड़ देखते जाओ, फटाफट बनाते जाओ, कि पहले मैंने बोला कि एक फोर्स कूलम था, यहाँ था, एक था, एक वो था, एक कहानी थी, एक जवानी थी, एक दीवानी थी, और डी था, तो आपने लिखा के Q1 Q2 / d² दिस इज फोर्स। ओके, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अब अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई साहब ये बताओ, ये वाला 3 है, इक्वालेटरल ट्रायंगल है, बहुत ही आसान, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, सब जानते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा, क्या रखा भाई, मैग्नीट्यूड सेम रखा, और बोला कि बताओ इन दोनों की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो लग रहा होगा भाई साहब, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई, क्या बताई मैंने, बताई कि फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक, तो टू चार्जेस में चार्ज, एक फोर्स यहाँ लगा दो F1 और एक फोर्स अलोंग द लाइन लगा दो भाई F2, और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, K Q² / r² इसकी वैल्यू भी K Q² / r² इसका रिजल्टेंट कहाँ आ रहा होगा भाई साहब, तो यहाँ आ रहा होगा वेक्टर, याद करो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि इसके बीच एंगल कितना, ये कितना एंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल है ये, इक्वालेटरल क्या है ये, इक्वालेटरल ट्रायंगल, क्या बच्चा है ना, क्या ये इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो क्या निकालेंगे भाई हम, एफ नेट निकालेंगे, और एफ नेट होगा अंडर रूट, क्या यहां पे आएगा नहीं, एफ नेट जो निकालेंगे बच्चा लोग, कैसे निकालेंगे एफ नेट, एफ नेट निकालेंगे अंडर रूट, हाँ अब आ जाएगा, K Q² / r² का होल स्क्वायर प्लस K Q² / r² का होल स्क्वायर प्लस 2 K Q² / r² K Q² / r² cos 60 degree, a² + b² + 2ab cos θ, एफ नेट याद करो यार, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, आर वेक्टर इक्वल टू का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, a² + b² + 2ab cos θ अंडर रूट, ठीक है, तो cos 60 degree, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये आ जाएगा एफ नेट 1/2, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आएंगे हम लोग, तो ये इस दैट इज, ये क्या हो जाएगा cos 60 की वैल्यू देख लिया ना आपने, चलो 1/2 लिख देता हूँ मैं, 1/2, अब पूछो, पहले लिखा, स्किप मत करना तभी तो समझ में आएगा, 2 कैंसिल, ओके, तो अब क्या बचा भाई, एफ नेट वैल्यू जो आ गई वो आ गई √3 KQ² / r², दिस इज योर आंसर। आया मजा, आसान है, कूलम्स लॉ बहुत ही आसान है बच्चा लोग,
अभी इस पर हम लोग और प्रॉब्लम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लो मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है भाई साहब, चल रहा है, ठीक है। चलो जी अब नया प्रॉब्लम कर देते हैं भाई, बहुत आसान आसान प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या आता है इसका, अब एक काम करो, मैंने बोला कि चलो जी फोर ट्रायंगल दिया, क्या दिया, क्यू 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 Q, 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 R, 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 R। इस वाले पर। चलो पहले एक काम करते हैं, मैं बोलूँ कि इस पर फोर्स निकालो, चारों की वजह से Q दिया मैंने, तो कितना आएगा F नेट। देखो इसकी वजह से ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसकी वजह से ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक। अब ये वाले फोर्स चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इस वाला चार्ज इसको रिपेल, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑल फोर्सेस। तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, एफ नेट कौन किस पे क्या फोर्स लगा रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीन्स कि अगर कोई पूछे इस वाले की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तब तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह दे कि एफ नेट निकालो तो ये जीरो, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ऑल द फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, ठीक। अब मैंने इसको हटा दिया, चलो जी रिमूव करो इसको, इसको रिमूव करो, और अब बोल रहा है इस पर फोर्स निकालिए, फोर्थ पर, 1 2 3 फोर्थ चार्ज पर फाइंड द फोर्स ऑन द फोर्थ चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। सेंट्रल फोर्स कैसे, देखो इधर निकाल दो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्या इस की वजह से इस पर निकाल दो, अब इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा आपको। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, पाइथागोरस से, ठीक। देख लो बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं, आर है तो ये कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर तो बाहर रूट टू आर, और अगर इसका आधा हो जाता तो रूट टू आर बाई टू कर देते, है ना, आर बाई रूट टू हो जाता। वैसे प्रॉब्लम है इसीलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो क्या होगा भाई, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू आर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू आर का होल स्क्वायर, है ना, तो ये क्या होगा, बोलो क्या होगा, टू तो खत्म हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भाई टू आर स्क्वायर, ओके। चलो जो भी है मैथमेटिक्स तुम्हारा मैं मैथ मेरी खराब है, बहुत खराब, ठीक। अब देखो ये तो तीनों की वजह से हो गया, इन तीनों की वजह से, लेकिन एक चीज और देख लो कि इन दोनों का भी एक रिजल्टेंट इस पर आएगा, वो कितना आएगा भाई, कर देते हैं 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, F इस पर इसकी वजह से लग रहा है कितना, 3 एंड 2 का नेट फोर्स, 3 और फोर्स 2 का नेट, क्या मान लेते, कोई भी नामकरण कर दो कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनेशन जी क्लचर जो भी रखना रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं बच्चा की तरफ क्यों बता रहा हूँ, मैं वहीं पर लिख सकता था,
के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, प्लस 2KQ cos 90, cos 90 वैल्यू जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो, ये दोनों बाहर आ जाएगा, तो रूट 2KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आंसर कितना आया भाई, सिंपली है यार, एफ नेट को दोनों आ गया, जोड़ दो सिंपल, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में लॉन्ग दोनों काम कर रहा है, तो चलो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये वाली, ये किसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू भाई, तो एफ नेट हो गया आपको के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2R2, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, दिस इज एफ नेट। ठीक है, चलो तो आज का क्लास मेरे हिसाब से तय रहने देते हैं, है ना, फिर करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलेगा। एक चीज़ और मैं वो एक होमवर्क है कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स दो चार्ज के बीच कितना लग सकता है, दो चार्ज के बीच मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना लग सकता है अगर दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर दिया हो या 1 सेंटीमीटर दिया हो, 1 मीटर मान लो, 1 मीटर दिया हुआ, तो कितना होगा, ऐसा यूनिट में निकाल दो सब कुछ। मिनिमम पॉसिबल फोर्स कब लगता है, जब मिनिमम चार्ज होगा, और मिनिमम चार्ज हमारे पास कौन सा है बच्चा, हमारे पास मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, है ना, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज अगर निकालना हो, तो दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल देंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, एफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज फोर्स अगर निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, 9 × 10⁻¹, यही तो है ना, 9 × 10⁻¹। और ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपको इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब इसको जो भी कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आनी है वही उसका क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखो मैं वन शॉट पढ़ाना चाहता था लेकिन थोड़ी दिक्कत है, नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे आप कूलम्ब से इसका ही नेक्स्ट प्रॉब्लम, आगे का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं बच्चा, बस सिर्फ आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबको बताओ कि भाई अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वो तो आप बताओगे। दूसरा फ्री कंटेंट है भाई, फ्री में आपको अवेलेबल है, सिर्फ आपका नेट का खर्चा है इसके ऊपर में। ठीक है, चलो जी, ओके बाय, फिर मिलते हैं।